मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये सही है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 100% एकदम सही है। मिस्र के अंदर एक कनान नाम का शहर है। वहाँ पर आज से तकरीबन 15-20 साल पहले खुदाई काम के दौरान एक पूरा का पूरा शहर निकला, जिसमें उनके मकान निकले और वहाँ जो लोग रहते थे उनके शव यानी कि हड्डियों के ढांचे निकले, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये 75 से तो 80 फीट के इंसान रहा होंगे, यानी कि 75 से 80 फीट की इनकी ऊंचाई थी। दोस्तों, सीढ़ियों के पास खड़े लोगों की ऊंचाई आधी सीढ़ी तक भी नहीं है, मतलब सीढ़ी 12 से 15 फुट ऊंची है, यानी जिन्होंने इसे बनाया उनका एक कदम 12 से तो 15 फुट पर पड़ता होगा। जिस आदमी का कदम 12 से 15 फुट होगा उसके शरीर की कल्पना कीजिए, पहाड़ जैसे लोग होंगे। अल्लाह ऐसे लोगों को अल्लाह ने खाक में मिला दिया तो हम क्या चीज़ है, किस बात का घमंड है। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म की कौम आई, हर किस्म के लोग आए, ताकतवर, जादूगर, दिमागदार, मगर इस फानी दुनिया पे हर चीज को मौत का मजा चखना है। तो कुछ लोगों को अपनी ताकत का, अपनी दौलत का, अपने हुनर का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जिसने भी घमंड किया है वो मिट्टी में मिला है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं वीडियो में। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहा